केंद्र की मोदी सरकार चाहे भले ही कांग्रेस के 70 साल के राज की बुराई करती रही हो, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज है। इसके लिए केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने ही राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी साबित हुए 6 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि देश के कानून के तहत दोषी ठहराए गए दूसरे देश के आतंकवादी को छूट देने का इंटरनेशनल इफेक्ट होगा, इसीलिए ये मामला भारत सरकार के तहत आता है। लिहाजा इतने गंभीर मामले में भारत सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी था। इस मामले का असर देश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही जस्टिस सिस्टम पर होता है। बता दें, कुछ दिन पहले ही आरोपियों को रिहा किया गया। इनमें नलिनी श्रीहरन, उसका पति मुरुगन के अलावा संतान, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन शामिल हैं। इनमें श्रीहरन और संतान श्रीलंका के नागरिक हैं। चेन्नई की रहने वाली नलिनी ग्रेजुएट थी। राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों में से केवल वही हत्या के समय घटना स्थल पर मौजूद थी। नलिनी राजीव की हत्या से ठीक पहले मानव बम धनु के साथ मौजूद थी। हालांकि रिहाई के बाद उसने कहा कि वो बेगुनाह है, उसे फंसाया गया था। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की धनु नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी फ्लाइट से मद्रास पहुंचे और बिना सिक्योरिटी के प्रेस से मिले। काथीपारा जंक्शन पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को माला पहनाई। प्रधानमंत्री से मिलने जुटी भीड़ से मुलाकात की, जबकि ये उनके प्लान का हिस्सा भी नहीं था। जब फ्लाइट से उतरे थे तब करीब 8:30 बज रहे थे, लेकिन जब भीड़ से मिलने लगे तो रात 9:30 बज गए। इसके बाद वो श्री पेरम्बदूर पहुंचे और इंदिरा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाई। इसी वक्त धनु फूलों की माला लेकर आई। धनु के पास परमिट ना होने की वजह से पुलिस कांस्टेबल ने रोका भी था, लेकिन राजीव गांधी ने इशारा कर उसे अपने पास बुलाया। इसके बाद जो हुआ उससे पूरा देश सन्न रह गया। पैर छूने के लिए झुकते ही धनु ने बटन दबा दिया। देर रात ऑल इंडिया रेडियो ने राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनाई। धमाके में RDX का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब जानते हैं 1991 से अब तक क्या क्या हुआ। 21 मई 1991 जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। 24 मई 1991 CBI के SIT की एंट्री हुई। 21 जून 1991 CBI ने AG पेरारीवलन की गिरफ्तारी की। उसके खिलाफ टाडा के तहत मामला दर्ज किया गया। 28 जनवरी 1998 टाडा अदालत ने पेरारीवलन सहित 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। 11 मई 1999 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा। 8 अक्टूबर 1999 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अप्रैल 2002 तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफारिश और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी की अपील पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 12 अगस्त 2011 पेरारीवलन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। पेरारीवलन ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 मई 2012 हाईकोर्ट ने मामला SC को ट्रांसफर कर दिया। 18 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन के साथ साथ दो दूसरे कैदियों संतान और मुरुगन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वजह बताई कि केंद्र ने उनकी दया याचिका पर विचार करने में 11 सालों की देरी लगा दी। 30 दिसंबर 2015 पेरारीवलन ने अपनी सजा घटाने के लिए याचिका दायर की। 9 सितंबर 2018 तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने रिहाई की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिसे राज्यपाल को भेजा गया। 25 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन के 31 साल से अधिक समय जेल में बिताने पर गौर करते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया। 18 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया। 12 अगस्त 2022 नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर समय से पहले रिहाई का अनुरोध किया। 26 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट नलिनी और रविचंद्रन की समय पूर्व रिहाई की अर्जी पर केंद्र तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन सहित बाकी 6 दोषियों की समय पूर्व रिहाई का निर्देश देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने उनकी कैद की अवधि घटाने की सिफारिश की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जिन 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था, ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कोर्ट ने माना था कि दोषियों ने 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में काटा है और सजा के दौरान उनका बर्ताव ठीक था,
इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दोषी एजी पेरादिवलन को पहले ही रिहा कर दिया था, वो भी उम्र कैद की ही सजा काट रहे थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दोषियों के प्रति नरम रुख अपनाया था, जिससे इनकी रिहाई को बल मिला था। हालांकि केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये विचार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के निजी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हत्यारों को आजाद करना गैर कानूनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।